हम एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर की सॉल्व करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द एन सो दैट अगर आपके पास ए एन प्लस बी एन और ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन तो ये भी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए और बी के दरमियान हो तो हमने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दिया हुआ ए एन प्लस बी एन और ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू, क्योंकि ये दो के बिटवीन अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी ओवर, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड किया जाए तो उन्हीं वैल्यू को प्लस करके नंबर ऑफ टर्म पे डिवाइड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, टू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। इसके बाद टू अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर देना, जब टू मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा टू ए एन प्लस टू बी एन इज इक्वल टू, अब आप पहले ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को इसके साथ, फिर बी को इसके साथ, और बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए ए एन माइनस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आप इसी को इससे करेंगे प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन प्लस बी बी एन माइनस वन। ये स्टेप मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें मैंने टू अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये आ जाएगा टू ए एन प्लस टू बी एन, इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा ए वन प्लस एन माइनस वन, क्योंकि इसके ऊपर भी वन है तो ये पावर जब सेम होती है बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी ऊपर प्लस, इसको बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे ए बी एन माइनस वन प्लस इसका ए एन माइनस पहले लिख लें और डॉट बी, यहाँ पे भी आ जाएगा बी वन प्लस एन माइनस वन, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो ये बन जाएगा टू ए एन प्लस टू बी एन इज इक्वल टू, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल होने के बाद ए एन बच जाएगा प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन बी प्लस बी प्लस वन और माइनस वन के अंदर होने के बाद बी एन बच जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने ये करना है कि ए एन यहाँ पे माइनस करेंगे और बी एन आपने यहाँ पे आके माइनस करेंगे, ये बन जाएगा टू ए एन प्लस टू बी एन माइनस ए एन माइनस बी एन, मीन के आपका प्लस ए एन था इधर माइनस ए एन हो गया और बी एन था तो माइनस बी एन होगा, तो इधर बच गया हमारे पास ए बी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन डॉट बी। इसके बाद आपने टू ए एन से माइनस कर लेंगे और टू बी एन से बी एन, जब टू ए एन से माइनस करेंगे तो ये ए एन बचेगा और जब टू बी एन से आप बी एन माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा बी एन इज इक्वल टू, ये आपने एज इट इज लिखना है ए बी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन डॉट बी। इसके बाद आपने ये करना है कि ए एन है तो ये आप इधर माइनस करेंगे, यानी ए एन वाले एक साइड करेंगे और बी एन वाले आपने एक साइड करेंगे, ये आ जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस वन डॉट बी। इसमें मैंने ये किया कि ये वाली वैल्यू आप इधर माइनस कर दी, ये इसी तरह लिखूंगा तो बी एन उधर जाके माइनस करूंगा, ये बन जाएगा ए डॉट बी एन माइनस वन माइनस बी एन। अब आपके पास ये वाली वैल्यू बन गई है ए एन, अब मैंने इसके इक्वल करने के लिए अगर एन में प्लस बी ऐड करूंगा और माइनस वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये बन जाएगा ए एन माइनस वन प्लस वन, अगर यहाँ पे मैं माइनस और प्लस एन करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एन ही रहेगा क्योंकि प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा ए एन माइनस वन डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एन माइनस वन, यहाँ पे भी मैं कर दूंगा बी एन माइनस वन प्लस वन, क्योंकि मैंने बी एन माइनस वन कॉमन ले दिया है तो इसलिए मैंने माइनस वन और प्लस माइनस क्या किया ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर इन दोनों में से मैं क्या कॉमन आ रहा है ए एन माइनस वन में कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा ए माइनस बी, इधर से बी एन माइनस वन कॉमन ले लेता हूं तो ये मेरे पास बच जाएगा बी, यानी ए एन माइनस वन कॉमन ले लिया
ए माइनस बी, बी माइनस एम जब कॉमन ले लिया तो ए माइनस। अब आपने ये करना है कि ए एन माइनस वन और बी एन माइनस वन इनको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ए एन माइनस वन ये आपके डिवाइड हो जाएगा बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी। अब इस टाइम में ये होगा कि ए माइनस वन और ए माइनस यानी ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये बात जाएगा ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब दोनों में सेम है पावर एन माइनस वन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए ओवर बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब यहां से मैंने एन माइनस वन की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी हम जानते हैं कि एक्स के ऊपर कोई भी पावर जीरो हो तो वो वन के इक्वल होगा। उस फॉर्म में इसको मैंने बनाने के लिए हमने ये लिखना है कि a ओवर b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन की a ओवर b की पावर जीरो, क्योंकि ये a ओवर b की पावर जीरो भी तो वन की इक्वल होगी, इसलिए हमने ये लिखा a ओवर b और a ओवर b कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास बन जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो n इज इक्वल टू वन। इस क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी जो n पे वन आई है, यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है और बोर्ड के वाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।